शो शुरू होते ही हुई कंट्रोवर्सी, किसने किया ईशा सिंह का अपमान, स्टोरी में छल का दर्द। टीवी सीरियल बेकाबू 18 मार्च से टीवी पर दस्तक दे चुका है। दरअसल कहानी के नए कॉन्सेप्ट की वजह से शो सुर्खियों में बना हुआ है, दर्शकों का इसे भरपूर प्यार भी मिल रहा है। बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए शालीन भानोट, इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनके साथ है ईशा सिंह। ईशा सिंह शो में परी बनी हुई हैं, वहीं शालीन भानोट राक्षस के किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन शो के शुरू होते ही एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। दरअसल ईशा सिंह ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक नोट साझा किया है, जिसे पढ़कर ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि वो अपने अपमान की बात कर रही हैं। इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए गए नोट में ईशा सिंह ने लिखा है, मैं इसे तवज्जो नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि इसे लोगों के ध्यान में लाना भी जरूरी है। कुछ लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। गरिमा बनाए रखने के लिए लोगों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करने को लोग ऐसा समझ लेते हैं जैसे हम खुद ही अपने अनादर के जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों को लगता है कि किसी की रूडनेस को छुपाना अच्छी बात है। जी नहीं, ये बुलिंग यानी धमकाना कहलाता है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बुलिंग गलत व्यवहार है, लेकिन हम खुद बड़ों के साथ वही करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा संस्कार क्या है। लोगों के सामने मीठा बनने से बेहतर है कि अपने अंदर की बुराई साफ की जाए। मैं नेगेटिव इंसान से खुद को दूर करने के लिए बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। जैसे ही ईशा सिंह ने इस नोट को अपने इंस्टा स्टोरी पर साझा किया, लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ईशा सिंह किसी से नाराज हैं और वो अपने अपमान की बात कर रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हुई कमेंट्स और पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि फैंस बेकाबू में नजर आ रही स्टार कास्ट पर ही निशाना साध रहे हैं। किसी को ये लग रहा है कि वो शिवांगी जोशी के बारे में बात कर रही हैं, तो किसी का ये मानना है कि वो शालीन के बारे में बात कर रही हैं। ईशा के फैंस शिवांगी के फैंस को भला बुरा कहते हुए कमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, वहीं शालीन के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। हालांकि ईशा सिंह किससे नाराज हैं ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। ऐसे में थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ईशा सिंह किससे नाराज हैं। आपको बता दें कि शालीन के साथ वो नाराज हैं, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब शो का लॉन्च हुआ था तो वो इंटरव्यू के दौरान शालीन के पास से दूर हटते हुए नजर आई थी। वहीं ईशा सिंह के फैंस का ये मानना है कि शिवांगी के फैंस उनके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।